सर्च कर रहे हैं और पिछले दिनों सर्च में जो है एक हॉस्टल में सुखली बम भी बरामद हुआ है। हम लोग लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जो सरस्वती पूजा है और पूजा के बाद जो विसर्जन निकलता है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। इंफॉर्मेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहाँ पे एक हॉस्टल के कैंपस के पास से बम मिला है, जिसके बाद वहाँ पे सनसनी का माहौल देखा गया है। हालांकि अगर बात करें तो बम मिलने की सूचना पर वहाँ पे बम स्क्वाड की टीम और स्थानीय थाना सुल्तानगंज थाना पहुँची और उस बम को अपने कब्जे में ले लिया है और बम स्क्वाड की टीम उस बम को निष्क्रिय करने के जुगत में लग गई है। दरअसल अगर बात करें तो पूरा मामला पटना सिटी इलाके के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का है, जहाँ एक पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टल के कैंपस के पास से ये बम मिला है। हालांकि बम किसने रखा और क्यों रखा है, इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। वहीं अगर बात करें हम तो कहीं ना कहीं आगामी सरस्वती पूजा को लेकर तमाम जितने भी निजी और सरकारी हॉस्टल हैं उनमें सर्च अभियान के तहत कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने की कवायद पटना पुलिस की ओर से की जा रही है। और वहीं इसी क्रम में ये बम मिलने की सूचना मिल रही है। हालाँकि इस पूरे मामले पर अब बम के निष्क्रिय करने की बात भी कही जा रही है। वहीं अगर बात करें तो आगामी सरस्वती पूजा के तैयारियों का पूरा ब्यौरा पटना SSP राजीव मिश्रा ने दिया। आइए सीधे सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी पटना SSP राजीव मिश्रा दे रहे हैं। पिछले लगभग 10 दिनों से तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में हम लोगों ने जितनी भी हमारी प्रतिमाएं स्थापित होती उनके जो आयोजक हैं उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। लाइसेंस हम किन शर्तों पर देने जा रहे हैं इस संबंध में उन सभी को सूचना दे दी गई है। DJ का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। विसर्जन जो है नियत समय के अंदर और नियत तिथि पर ही करना होगा। इसके अलावा जो पहले से प्रॉब्लमेटिक एरिया रहे हैं हमारे हॉस्टल्स जो रहे हैं, जहाँ पिछली बार भी एक घटना घट गई थी, एक हत्या की घटना भी प्रतिवेदित हुई थी उस मामले में, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लगातार हॉस्टल्स में भी हम लोग जो है सर्च कर रहे हैं। और पिछले दिनों सर्च में जो है एक हॉस्टल में सुखली बम भी बरामद हुआ है। हम लोग लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जो सरस्वती पूजा है और पूजा के बाद जो विसर्जन निकलता है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। इस संबंध में हमारा जो आम नागरिक है उनसे भी अनुरोध है, विशेष रूप से छात्रों से अनुरोध है कि सरस्वती पूजा का जो पर्व है वो पूजा के भाव से हो, न कि इसको जो है इस तरह से कि इसमें कोई आपराधिक घटना हो जाए या कोई अनुशासनहीनता हो। इस बार हम लोगों ने जो पटना यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी हैं, वाइस चांसलर्स हैं और जो उनके प्रॉक्टर वगैरह हैं उनके साथ भी बैठक की है, और जो यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेजेस के जो हॉस्टल हैं हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो भी अपना नोडल ऑफिसर लगाएं जो पूजा के शुरू होने से विसर्जन तक उसके साथ रहें, जिससे छात्रों में भी एक अनुशासन की भावना रहे। और कभी कभी जो उन छात्रों के बीच में असामाजिक तत्व आ जाते हैं उनको पहचान करने में हम लोग को सुविधा मिले। हमने छात्रों से भी हम लोगों ने लगातार बैठकें की और उनसे भी इस बात का अनुरोध किया है कि केवल जो छात्र हैं हॉस्टल के वही उसमें पार्टिसिपेट करें, और अगर कोई असामाजिक तत्व आ जाता है तो उसकी पहचान वो करके हमको बताएं और पुलिस उस पर मामले में कार्रवाई करे। जाहिर सी बात है, जिस तरह से आगामी सरस्वती पूजा को लेकर असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने की कवायद जारी है, वहीं अगर कहें बात करें हम तो थानों को सख्त हिदायत दी गई है कि शांति समिति की बैठकें कर उस पूजा समितियों से अपना संपर्क उन सदस्यों से स्थापित करें और शांतिपूर्ण इस पूजा के आयोजन का भी कहीं ना कहीं कार्य करते नजर आएंगे। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।